स्विच ऑन पे और विकास लाइफ केयर पे है मैडम। क्या रेट पर बाइंग है दोनों स्टॉक में? ये स्विच ऑन का मेरा 40-20 है, 700 स्टॉक है, और विकास लाइफ का मेरा मतलब एवरेज करते करते मेरा 596 है उसका, और 3,000 शेयर है, 3,500। और दोनों में ही आपका नजरिया क्या था? इसमें विकास लाइफ में तो ज्यादा नहीं था मैडम, इसमें तो नजरिया था कि कम से कम 1 से 2 साल मतलब इस पर रुकूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। ओके चलिए, मैं आस्था से जुड़ती हूँ। आस्था, स्वागत है आपका। और स्विच लोन के बारे में बात करते हैं आस्था। 40 की इनकी खरीद है। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग पूजा। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा टेक्निकल डिले की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ ज्वाइन करने में। देखिए, सुजलॉन की बात करें तो जिस तरह से अब गवर्नमेंट का पूरा एम्फेसिस विंड एनर्जी को लेके है, और एनर्जी में विंड का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ने वाला है, तो सुजलॉन उसका की बेनिफिशियरी रहेगा। इनफैक्ट जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वो 40-42 के रुपए के आसपास है, और अभी 40 रुपए ही चल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक क्योंकि गवर्नमेंट का एक और यहाँ पे व्यू है कि पावर सप्लाई टू ऑल बाय 2025 24x7 पावर सप्लाई की बात है, तो विंड एनर्जी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हुई नजर आएगी, और सुजलॉन उसमें की बेनिफिशियरी रहेगा। ये सबसे लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर वेल पॉइज्ड है इस सेगमेंट की अपॉर्चुनिटीज को कैटर करने के लिए। खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी, और लिया हुआ है तो बने रहिए। इनिशियल टारगेट 46 रुपए का, इसमें 46 का रख सकते हैं, और उसके बाद 48 तक के भी लेवल ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ बने रहने की सलाह, आगे और बेहतर संकेत आस्था जी की राय में। बढ़ते आगे, अगले जो हमारे निवेशक हैं उनको जोड़ते हैं। केदारनाथ मानसिंह साहब हमारे साथ। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, ये है मैडम कि मैंने BSE का शेयर जी 575 के रेट में 2021 में 1600 शेयर खरीदा है मैंने। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया मुनाफा हो रहा है आपको। तो अभी आप क्या करना चाह रहे हैं स्टॉक में, क्या जानना चाह रहे हैं? ये जानना चाह रहे थे कि उतार चढ़ाव मार्केट में होता है, तो आगे क्या किया जाए इस पर। जी पहले दर्शक का भी सवाल कुछ ऐसा ही था, आपको भी मुबारकबाद देंगे सर, बहुत अच्छे लेवल्स पर आपने लिया। तब से BSE में तो हम देख रहे हैं एक लगातार एक तेजी बनी ही हुई है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, और एक महीने में ही करीब 780 अंकों की भी तेजी देखने को मिली। हालांकि आपकी होल्डिंग तो और पहले की लग रही है, और काफ़ी अच्छे मुनाफे में भी आप बैठे हैं। ये देखिए, हम चार्ट जो आपको दिखा पा रहे हैं, जब आपने लिया था उसके बाद उतार चढ़ाव ज़रूर आया, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने होल्ड किया स्टॉक को, कन्विक्शन रखा कंपनी पर, और उसका फ़ायदा भी आपको मिला। हमारे साथ आस्था नहीं जुड़ पा रही हैं। चलिए कुणाल, आप सलाह दीजिए BSE पर अब क्या करें, काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं और अच्छे खासे मुनाफे में हैं। अभी जानना चाह रहे हैं कि यह हाल फिलहाल में जो उतार चढ़ाव बन रहा है बाजार में, उससे क्या डरने की बात है? कुछ मुनाफे इन्हें बुक कर लेना चाहिए या अभी भी बने रहे स्टॉक में? मॉर्निंग पूजा, अगर हम BSE की बात करें तो मार्च में हमने इस काउंटर को, मार्च 2020 में इस काउंटर को हमने 9500 रुपीज पे देखा हुआ था, और एज ऑफ नाउ देखिए 2830 पे चल रहा है। और एक बात तो मार्केट में सत्य है कि अगर पोजीशन बाय एंड होल्ड कर सकते हैं तो जो रिटर्न्स मिल सकते हैं वो अनकंपेरेबल होते हैं, और हमारे व्यूअर ने ऑलरेडी वो प्रूफ भी किया हुआ है। एज ऑफ नाउ भी देखिए तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है, एक लल फेज हमने 6-7 दिनों का बीच में देखा था, बट फिर से इसमें रुझान शुरू हो चुकी है। सो ऐसे काउंटर्स जब तक अपनी रुझान में बने हुए रहते हैं तब हमें ये पोजीशन होल्ड करना ही लॉजिकल होगा। एज ऑफ नाउ एक लेवल है जो मैंने अपने पोजीशन के लिए, पर्सनल पोजीशन के लिए ध्यान में रखा है, और वो है 2450। मैं हमारे व्यूअर के साथ शेयर कर रहा हूं, अगर ये काउंटर 2450 के नीचे जाता है तो एक बार रिविजिट करिएगा, शायद तब हम थोड़ा मुनाफा वसूली करने का सोचेंगे। बट जब तक ये काउंटर 2450 के ऊपर है तब तक इस काउंटर में डेफिनेटली इत्मीनान से बने रहिए, और राइड दी एंटायर रैली, कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। जैसे जैसे ऊपर आएगा चैनल पे रिविजिट करिए, जो भी अवेलेबल बंदा होगा उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पूछ लीजिए। आई थिंक ये और भी यहाँ से अच्छी रैली दिखा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हालांकि आपको थोड़ा सा सावधानी से अमल में लाना होगा। आगे बढ़ते हैं, और संतोष कुमार साहब बनारस से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार।